हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द टेस्टी स्पूंस। चलिए शुरू करते हैं विद आवर रेसिपी डोसा गोल्ड कॉइंस। सबसे पहले बनाएंगे हम मिक्सचर जो हमारे गोल्ड कॉइंस के ऊपर जाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ऑफ बॉइल्ड मैश पोटैटो। ये अराउंड 3 मीडियम साइज पोटैटोस होंगे। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड 1.5 टीस्पून ऑफ गार्लिक। अब हम डालेंगे हमारे वेजीज। ये है 1/4 कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ अनियन। मैंने लिया है ये बॉइल्ड कॉर्न जो मैंने कोर्सली ग्राइंड कर दिया है। ये है 1/2 कप। अब डालूंगी इसमें 8 to 10 बारीक कटी हुई बीन्स। ये बीन्स को मैंने हल्का सा सौते कर लिया था। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ सोया सॉस और फ्रेशली क्रश किया हुआ पेपर पाउडर अराउंड 1/2 टीस्पून। अब डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग, हमारी सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार। याद रखिए इसमें सोया सॉस डाला है जिसमें नमक होता है, तो प्लीज आपकी सॉल्ट की कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। अब ये मिक्सचर हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब रेडी हो गई है हमारी ये गोल्ड कॉइंस की टॉपिंग। अब हम करेंगे हमारे इस गोल्ड कॉइन के बेस की तैयारी, जिसे ये हम लेंगे डोसा बैटर। अब ये हमारा रेगुलर डोसा बैटर है। अगर आप चाहे तो आप सूजी से बना हुआ इंस्टेंट बैटर भी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। अब इस बैटर के साथ हम बनाएंगे छोटे छोटे उत्तपम्स। अब इसके लिए हमने लिया है एक तवा और इसे करेंगे हीट। मैं अब ले रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून ऑफ डोसा बैटर। एक छोटा सा सर्कल डाला है मैंने। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं। याद रखें हमें इसे एक साइड से पूरा क्रिस्प पकाना है और दूसरी साइड पे हल्का सा पकाना है। इसे करती हूँ फ्लिप, फिर से थोड़ा सा ऑयल। अब जो नीचे की साइड है मैं उसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द बेस जिसके ऊपर हम टॉपिंग डालेंगे। और ये जो ऊपर वाली साइड दिख रही है वो फिर से पकने वाली है। मैंने फिलहाल एक ही उत्तपम डाला है ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं ये कैसे बनता है, पर मेरे हिसाब से आप 3-4 उत्तपम साथ में आराम से बना सकते हैं। देखिए ये हो गया है अच्छे से रोस्ट। अब इसी तरह मैंने कुछ और उत्तपम बना लिए हैं, तो चलें अब शुरू करते हैं हमारे इन गोल्ड कॉइंस की प्लेटिंग। तो मैंने लिया है एक उत्तपम। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक साइड इस उत्तपम की ज्यादा ब्राउन है कंपेयर टू अदर साइड। तो जो साइड ज्यादा ब्राउन है उसमें हम डालेंगे हमारी थोड़ी सी फिलिंग। ये देखिए ये फिलिंग लेके हमें इस पे अच्छे से सिक्योर करनी है, ऐसे फ्लैटन करके। याद रहे कि आप इसे अच्छे से दबाएं ताकि हम इसे जब फिर से फ्राई करें ये फिलिंग बाहर ना निकल आए। और इसको डबली सिक्योर करने के लिए हम यूज करेंगे ये हमारा मैदा और पानी का मिक्सचर। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार है। ये भी इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच लाने के लिए हम डालेंगे तिल, सेसमी। ये लीजिए तिल। इस पे हम स्प्रिंकल करके अच्छे से इसे भी दबा देंगे। देखिए ऐसा दिखेगा हमारा गोल्ड कॉइन। इसी तरह मैंने कुछ और गोल्ड कॉइन्स बना लिए हैं,
तो चले अब आती है इन्हें पकाने की बारी। अगर लेते हैं एक तवा, इसे मीडियम हॉट हीट करते हैं। मैंने लिया है एक गोल्ड कॉइन, इसे उल्टी तरीके से डालती हूँ। अगेन सम ऑयल। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हीट करेंगे। आप अगर चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं उस क्रिस्पी टेक्सचर के लिए, बट मेरे हिसाब से अगर हमने इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं तो इसे रोस्ट करके ही खाना अच्छा होगा। चलिए हम इसे अब पलट देते हैं, देखें कि कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन हो गया है। अब हमें इसके नीचे के हिस्से को भी होने देते हैं थोड़ा क्रिस्पी। अभी नीचे से भी अच्छा क्रिस्पी हो चुका होगा, तो लेते हैं उसे उतार एक प्लेट पर। देखिए इसी तरह मैंने बाकी के गोल्ड कॉइन्स भी कर दिए हैं रेडी। अब इसे सजाते हैं एक प्लेट में। मैं ले रही हूँ इसमें थोड़ा सा केचप, उसका एक ऐसे सर्कल बनाते हैं, फिर एक स्पून से इसे जस्ट एक ट्विस्ट दिया है मैंने ऐसे। अब रखते हैं हम हमारे कॉइन्स इस प्लेट में। तो ऐसे हमने सजा दिए हैं हमारे गोल्ड कॉइन्स इस प्लेट पर। अगर आपको लगता है कि ये छोटे छोटे उत्तपम बनाना बहुत ही बड़ा टास्क है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ा मीडियम साइज का उत्तपम बनाइए, उसी तरह ये फिलिंग का प्रोसेस यूज कीजिए और फिर पिज्जा की तरह कट करके पिज्जा स्लाइसेस की तरह खाइए। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्दी से गोल्ड कॉइन्स विद डोसा। मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।